वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर कही है कि इंदुराज नरवाल जीत हुई है और कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल जीते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल ने जीत हासिल की है। गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त हार गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपको जानकारी ये भी दे दें कि ये जो जीते हैं ये एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, 10,000 से ज्यादा वोट बताए जा रहे हैं। जनता के फैसले का स्वागत करता हूं, ये भी योगेश्वर दत्त की ओर से कहा गया। 10,000 से ज्यादा वोट, हालांकि इतना बड़ा मार्जिन नहीं कहेंगे, लेकिन पिछली बार के मुकाबले मार्जिन वाकई बड़ा है। योगेश्वर दत्त क्या कुछ बोले थे वो सुन लेते हैं। क्योंकि कल आपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी कि खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो तो रहेगा जिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा, वो खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि खेल की वजह से खेल की वजह से आप मेरे सामने हो, मेरे से बात करते, इसलिए मेरी जिंदगी का हिस्सा। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से? देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी, कुछ कमी हमें हमी में होगी तो हम लोगों की उम्मीद खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि कल आपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी कि खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो तो रहेगा जिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा, वो खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि खेल की वजह से खेल की वजह से आप मेरे सामने हो, मेरे से बात करते, इसलिए मेरी जिंदगी का हिस्सा। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से? देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी, कुछ कमी हमें हम ही में होगी तो हम लोगों की उम्मीद खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए।